पहले से पता था कि वृंदावन में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट में अगर हम रंग डाल ही रहे हैं तो ऐसी जगह पे शूट किया जाए जहाँ पे हमें रंग ही रंग मिले और एक एनवायरनमेंट में एक रंगों का जोश और होली की जो पूरी एम्बियंस होती है वो मौजूद रहे, इसीलिए हमने वृंदावन को सिलेक्ट किया। देहरादून में एक एनजीओ है जिसको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, वहाँ के बच्चों से भी मैं काफ़ी बार मिला हूँ। ये एनजीओ कुछ ऐसे बच्चों के साथ काम करता है जिनकी दिमागी हालत नॉर्मल नहीं है, इनमें से कुछ बीमारियों का नाम है ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, माइल्डस्टोन, सेरेब्रल पॉल्सी, स्लो लर्निंग एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज़। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि ये बच्चे जो हमसे अलग हैं, अलग होते हुए भी नहीं, दिखाने के लिए कि जब हम रंग डालते हैं और जब सब एक रंग के हो जाते हैं तो उस किसी में कोई फ़र्क नहीं रहता, भले ही वो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स, एज ग्रुप्स या लाइफ स्टाइल्स से आते हैं। टीम से जुड़ने की या प्रोजेक्ट से जुड़ने की अगर मैं बात करूं तो मेरी एक फ्रेंड है अपराजिता, उसने मुझे इसके बारे में बोला कि ऐसा ऐसा करके एक प्रोजेक्ट हो रहा है और मुझे उसे ज्वाइन करना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं थोड़ा नेगलेक्ट कर रहा था, मैं ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बेसिकली जब उसने मुझे पूरा पढ़ के बताया कि ये किस वजह से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वृंदा फोटो प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली किया जा रहा था उन बच्चों के लिए जो मेंटली चैलेंज्ड है, जो हम सब लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है, तो इस चीज़ ने मेरा थोड़ा इंटरेस्ट और जगाया। टीम प्रोजेक्ट्स मैंने पहले कंप्लीट किए हैं लेकिन ये अपने आप में एक डिफरेंट था, क्योंकि मेरे सामने जो भी लोग थे वो मुझे पहुंचने के बाद में पता चलना था कि वो लोग कौन हैं और किस किस फील्ड से हैं या वो क्या करते हैं। डर था कि आगे मुझे कैसे लोग मिलेंगे या क्या मिलेंगे, लेकिन इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में जुड़ने के बाद में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, और जो प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए, और मैं सोचता हूँ अगर मैं लिटरली बहुत बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में मिस कर देता अगर मैं इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ता तो। पिक्चर के बारे में बात करूँ तो मैं पहले से ही उनके साथ जुड़ना चाहता था, किसी प्रोजेक्ट में या किसी फोटोशूट में मैं चाहता था कि मैं उनके साथ जाऊँ, स्पेंड करूं और उनके साथ फोटो, क्योंकि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं चाह रहा था मुझे मिले, और वो मुझे मिला इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। और नेचर में बहुत ही कूल माइंडेड, और उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा क्योंकि मैं हमेशा हंसता रहता था प्रोजेक्ट के बीच में, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, जैसे हम प्रोजेक्ट हम शूट कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, तो मुझे पकड़ के लाते थे बार बार वहाँ से कि यहाँ पे अभी शूटिंग टाइम है तो शूट चल रहा है। चलिए ऑर्डर है, आप बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसी होली खेली है यहाँ के, वरना मैंने कभी ऐसी होली नहीं। पर एक ध्यान फरमाएं क्या आपने ऐसी होली खेली है कि एक बार मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, सॉरी। रिप्सन बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं? आइडिया हमारा क्लियर था, बट उसको एग्जीक्यूट कहाँ, कैसे, कब करेंगे, इसकी प्लानिंग हमें बाद में करनी पड़ी। तो हमारे सब्जेक्ट्स तो अनएक्सपेक्टेड थे ही, उसके साथ साथ हमारी लोकेशंस भी अनएक्सपेक्टेड थी। हमने शूटिंग की घाट पे, घाट के पास जो मंदिर थे, मंदिरों में, उसके साथ साथ गलियों में, स्ट्रीट्स पे, एक लोकेशन जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थी वो थी अनाथालय। प्रॉब्लम ये थी कि अनाथालय का जो रूफ था वो टीन और काफ़ी फ्रैजाइल था, अनइवन था, तो हवा की वजह से पानी आराम से अंदर आ पा रहा था। This was worth it. I think this was better than anything else we have done so far. So signing off from अनाथालय। इस प्रोजेक्ट की जो मेरी जर्नी रही बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इस प्रोजेक्ट के थ्रू मुझे बहुत कुछ जानने को मिला वृंदावन के बारे में, काफ़ी कुछ मैंने देखा,
पूरी जर्नी में पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ बहुत एंजॉय किया हमने सभी मेंबर्स एक नेचर जैसा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सिर्फ एक बहुत बेसिक आइडिया से हुई थी, लोगों को फोटोग्राफ करना रंगों में एक यूनिटी दिखाने के लिए, पर जो उसकी जर्नी रही वो इतनी अलग रही कि जो हमने कभी सोचा नहीं था, पर जो रिजल्ट्स आए वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग रहे, पर जो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस रहा इस फोटो प्रोजेक्ट का उसने हम सबको एक तरीके से जागरूक कर दिया है काफ़ी चीज़ों के लिए और एक अलग अनुभव ऐड कर दिया है हमारी ज़िंदगी में जिसको हम हमेशा याद रखेंगे। Back up!